टेक्निकल मऊ यूट्यूब नहीं चला पा रहा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे IRCTC एप्लीकेशन या IRCTC वेबसाइट से जब भी आप टिकट्स बुकिंग पर जाते हैं, जैसे कि आपका बुकिंग स्टार्ट हो रहा है 10 बजे या 11 बजे, उसी टाइम पर लिख के आ जाता है अनेबल टू प्रोसेस या अनेबल टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे देख पा रहे हैं, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन प्लीज ट्राई अगेन लेटर, कुछ इस प्रकार का जो भी एरर आता है, एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम सही करें, उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। और साथ में यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोज अपलोड होती रहती हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में IRCTC या ट्रेन टिकट्स से रिलेटेड या कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, आप एक बार कमेंट करिए। साथ में मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं, जैसे कि IRCTC वेबसाइट से यदि आप बुकिंग करने जाते हैं लैपटॉप या PC से या फ़ोन से, तो कुछ इस प्रकार का एरर उसी टाइम पर आएगा जिस टाइम पर तत्काल टिकट या 4 महीने पहले की ओपनिंग टिकट बुकिंग होती है, और किसी टाइम पर नहीं आएगा। नॉर्मली आप टिकट्स चेक वगैरह करेंगे तो उस टाइम में प्रॉब्लम देखने को बहुत कम मिलती है, लेकिन बुकिंग के टाइम पर ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी। तो इसका सबसे आसान तरीका है सही करने का, और इसका एक रीज़न भी है ये प्रॉब्लम से शो होने का। जैसे कि आप बार बार आप जब ट्राई करते हो, कोई भी चीज़ें आप सर्च करते हो ट्रेन के लिए कि नहीं, आज हमें ये ट्रेन यहाँ से आप बुकिंग करनी है, तो उस टाइम पर तो दिखा देता है, लेकिन जैसे ही आप बुकिंग जैसे ही बुकिंग स्टार्ट होती है तो साइट्स पर लोड भी बहुत काफ़ी पड़ जाते हैं, और इसमें एक एरर जैसे आ जाता है, जैसे कि आपकी IP है, यानी आपकी IP पर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं तो इस प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑन करिए, यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग से पहले कुछ मिनट्स पहले, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे फिर उसके बाद ऑन करेंगे तो आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम्स बहुत काफ़ी है, इसको यदि आप एक बार इस ट्रिक को अपनाइएगा, बिल्कुल ये अनेबल टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन टाइम का ये ऑप्शन हट जाएगा, या फ्लाइट मोड करके भी आप देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है, IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू यदि आप बुकिंग करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका ऑप्शन यही है कि एक बार IRCTC एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करिए, एप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करिए, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल डाटा का, इस पर करके आप क्लियर ऑल डाटा कर देंगे तो यहाँ से वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। तो जो अनेबल टू प्रोसेस या अनेबल टू फिक्स प्रोसेस जो भी प्रॉब्लम्स आती है, इससे रिलेटेड IP से रिलेटेड और क्लियर डाटा की वजह से ही आती है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन में पकड़ता है कि आप बार बार ट्राई कर रहे हैं टिकट्स बुकिंग का, यानी आप एक ही जगह से कई बार टिकट्स बुकिंग कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यदि IRCTC ट्रेन टिकट से रिलेटेड यदि कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।